अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूम। को एक आर्टिजन से मुलाकात करेंगे, एजाज भाई, जो ट्रक आर्ट के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं, तो वो उनका काम खुद बोलेगा। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद एजाजुल्ला मुगल है जी, और मैं ट्रक आर्ट से पिछले 20 साल से वाबस्ता हूँ। तो ये मेरे वालद साहब आजी भी बरहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह करते थे, और ट्रक आर्ट 1952 इसकी स्टार्ट है और 1956 से वो कर रहे थे। तो ट्रक आर्ट थोड़ा सा मैं इसकी तफसील बताता चलूँ कि ट्रक आर्ट इंतहा सिंपल हुआ करता था, और इसके मेजर चार यानी कि टीचर थे, एक आज़म उस्ताद थे, एक उनके भाई थे यसीन उस्ताद, ये जिलम के रहने वाले थे, और एक इंडिया के रहने वाले थे भैया बदवा उस्ताद, जो कि रामपुर से आए थे और वो खुद पत्रिका का आते थे, और एक लिखाई के उस्ताद थे रफीक उस्ताद, जो टेक्सला थे, टेक्सले उनका तलब था। तो ये चार उस्ताद जब इकट्ठे हुए तो उस दौरान यानी कि बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, लकड़ की बाटी होती थी उसके ऊपर कुकिंग करना, अंदाज से काम करना मुश्किल हुआ करता था। उसे खुद का नाम लिखा जाता था और छोटा मोटा यानी कि नंबर प्लेट वगैरह का शेड लगा दिया, किसी का नाम बस। तो जब ये चार उस्ताद इकट्ठे हुए तो एक ने कहा, यार इस लिखाई के साथ कुछ शेड वगैरह थोड़ा सा बढ़ा दें। तो भैया बदवा उस्ताद जो अच्छे उस्ताद थे पति को, उन्होंने कहा कि यार ये लिखाई के साथ कोई गोला सा लगा के तो इसमें कोई फूल पत्ती कर दी जाए। वो एक दूसरे को देखते शाम को आते, काम दिन ब दिन आस्ता आस्ता बढ़ता रहा बढ़ता रहा। और 1956 से मेरे वालद साहब आजी के बरहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनके साथ शागिर्दी का दौर तैयार किया, तो उस दौरान यानी कि एक दूसरे को देखो देखी, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये आप नहीं कह सकते कि एक दूसरे के साथ इख्तलाफ था, लेकिन वो कंपटीशन ऐसा था कि आप देख रहे हैं कि ट्रक आर्ट आज पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, लेकिन वो जो लेजेंड लोग हैं जिनका नाम मैंने लिया है, वो कमाल उस्ताद यानी कि कमाल के नाम के उस्ताद हैं। मैं उनका नाम बार बार इस वजह से, जिस वजह से मैं आज बैठा हूँ आजी साहब की जगह पे, तो यानी कि उनको एक खराजा तस्लीम पेश करने के लिए बैठा हूँ। तो एक और चीज़ ऐसी है कि मेरे आजी साहब अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद करें, तो उन्होंने ये जो ट्रक आर्ट है ना वो बर्तनों पे मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट पे लेकर आए, क्योंकि जब उनकी एज ज़्यादा हो गई तो सीढ़ी घोड़ी चढ़ने का उनको मसला था, तो फिर उन्होंने ना छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया। फिर उस दौरान यानी कि मुख्तलिफ एम्बेसीज के लोग, मुख्तलिफ लोग आते थे उनके पास, काम करवाते थे कि बक्सा ले आया, अभी क्या चीज़ ले आया, स्कूटर ले आया, कोई साइकिल ले आया। तो असल जो ट्रक आर्ट है उसको हैंडीक्राफ्ट पे लाने वाले मेरे हाजी जी रहमान साहब थे, तो उनके साथ मैं काम करता रहा। और उस दौरान यानी कि मेरे भतीजे और पूरी फैमिली, मेरी बच्चे ये सारे काम उस दौरान यानी कि उस दौरान से भी हम कर रहे हैं, रेगुलर ही मैं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट में बैठ के काम करता हूँ। और लोग जैसा कि यानी कि स्टार्ट से, फिर उसके अलावा मुख्तलिफ एग्ज़िबिशनों से पंजाब आर्ट काउंसिल को प्रेजेंट करते हुए करते, जब रावलपिंडी आर्ट काउंसिल वालों ने हमारे सर के ऊपर हाथ रखा, तो उस दौरान फिर हम मुख्तलिफ जगहों पे पूरे पाकिस्तान में हम एग्ज़िबिशनें हमने की, यहाँ तक कि मुख्तलिफ ऐसे ऐसे जगहों पे गए जहाँ ना ज़ुबान जानते थे ना कोई और चीज़ें जानते थे, लेकिन ये एग्ज़िबिशनें ये चीज़ें ऐसी हुई कि हम एक दूसरे के साथ साथ जुड़े और एक दूसरे के साथ हमारा प्यार मोहब्बत पड़ गया। और मुख्तलिफ एन जी ओज के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ, जिनके जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो किसी की तरफ से अल्लाह ताला ने मुझे ज़्यादा काम है, यहाँ सिखाने का भी मौका है मेरे पास, और मुख्तलिफ यानी कि लोग आते हैं और उनके लिए दुआएं होंगी अल्लाह पाक, उनको मैं कहता हूँ कि दिन दुगनी रात दुगनी अल्लाह ताला से डीए वालों को, मुख्तलिफ जो मेरे साथ अच्छे चलते हैं इनको अल्लाह ताला आसानी है फरमाए। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ बैठ कर मुख्तलिफ बड़ी बड़ी एग्जीबिशनों यानी कि जैसे क्रिसमस ट्रेन है वो हमने की, आज़ादी दौड़ ट्रेनों का मैंने काम किया, और मुख्तलिफ ऐसे बड़े बड़े काम
बेकरियों के या मुख्तलिफ बड़े बड़े अदारों के मैंने काम किए, तो मुझे खुशी है कि जो ट्रक आर्ट का बूटा मेरे हाजी साहब ने लगाया था आज वो फलता फूलता जा रहा है। लेकिन एक थोड़ी सी अफसोस की बात है कि इस तरफ लोग अब सीखने वाले नहीं आ रहे, तो मैं चाहता हूँ कि इस मीडिया के तवसत से, इस चैनल के तवसत से, कि अल्लाह पाक जो है ना ऐसे लोग यानी कि हमें मुतारफ कराए कि इसको और आगे तक लेकर जाए, खाली ये नाम का ट्रक आर्ट ना रह जाए। जैसे पिछले लोगों ने मेहनत की है, हम जैसे हम तो बिल्कुल ज़ीरो आदमी हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे लोग अच्छे लोग आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और ये जो ट्रक आर्ट देख रहे हैं ये सारा मेरा अपना ये तैयार किया हुआ है, और इधर में बैठ के यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में मैं बैठ के काम करता हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 0345-522-4926, कोई रब्ता करना चाहे तो मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ुल्लाह मोहम्मद है। अगर आप ये कहें कि ट्रक आर्ट किसी उम्र किसी उस ट्रक तक महदूद है तो ये नामुमकिन सी बात है। जब से ये डेकोरेशन पीस और क्राफ्ट में आया है ये घरों ये ट्रक आर्ट जो है घर में भी चला गया है। और इस लिहाज से अगर आप देखना चाहें यहाँ पे माहौल सीखने के लिए बहुत मज़ेदार है, बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपका आने के बाद जाने को दिल नहीं करता और आप ये कहते हैं कि मैं इसको जो है ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि अपने आइडियाज़ को डाल के पूरी दुनिया में भी मुतारफ कराऊं, और अब तो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती चली जा रही हो और नई नई जिद्दतें आती चली जा रही हैं, तो इस बात की हमें यंग नए खून की ज़रूरत है क्योंकि इसको आगे लेकर चले। जब मैंने खुद ट्रक आर्ट सीखना शुरू किया तो मेरी बहन अमेरिका में होती हैं, उन्हें पता चला, उन्होंने इसके ऊपर तहकीक की और ख़ास तौर पे सीखने के लिए वो अमेरिका से पाकिस्तान आई और यहाँ पे सीखते गए।